हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री राधे। कैसे हो आप सब? मैं प्रीति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, 15 अगस्त आने वाला है तो मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए और कान्हा जी के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कि मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए और कान्हा जी के लिए क्या क्या बनाया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, पसंद आए तो शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे दोस्तों। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या मंगाया है लड्डू और कन्नू लल्ला के लिए। तो ये दो रबर बैंड हैं फ्लैग के कलर के, तो ये मैंने मंगा लिए हैं, बट अभी पता नहीं है मैं इनका यूज कैसे करूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो यूज़ में आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने तो दो ये लाला के लिए मंगाए हैं, लड्डू लाले के लिए और कन्नू लाले के लिए। तो दो रबड़ बैंड मैंने मंगाए हैं, और ये देखिए ये दो काइट मैंने घर पर ही बनाई हैं अपने हाथों से, छोटी छोटी सी, कन्नू लल्ला के लिए और लड्डू गोपाल जी के लिए। तो दोनों के लिए एक एक काइट ये घर पर ही बनाई हैं। तो इस तरह से आप भी घर पर ही तैयारी कर सकते हैं आसानी से। ये नहीं कि बाहर से मार्केट से ही सारी चीज़ें लाएं महंगी महंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप घर पर ही तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने ये देखिए घर पर ही बनाया है, ये मैंने मार्केट से मंगवाई थी रबर बैंड, बट ये काइट मैंने घर पर ही छोटी छोटी सी बनाई हैं। और क्योंकि घर पे आजकल बच्चों के जो भी मटेरियल वगैरह होते हैं ड्राइंग के, तो उससे ही बन जाता है, तो बहुत सारी चीज़ बाहर से नहीं मंगानी पड़ती है। तो ये वाली काइट मैंने बनाई है, और ये देखिए ये रिबन लेस मंगाई है मैंने, तो रिबन लेस से भी देखती हूँ क्या क्या हो जाएगा, बट ये तीन कलर की, जो फ्लैग में तीन कलर होते हैं उन तीनों कलर की रिबन लेस मंगा ली है। तो एक तो इससे माला बन जाती है, जो कि मैंने बना लिए अभी, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, और देखते हैं और क्या क्या बना सकते हैं इससे। तो मैंने पूरे पूरे ये बंडल मंगाए हुए थे तीन, और भी रिबन लेस मंगा ली थी एक्स्ट्रा में, ये येलो कलर की, ग्रीन कलर की, और एक रेड कलर की भी थी, जो कि मैंने आपको दिखाई थी कि जब ड्रेस बनवाई थी तो उसमें यूज कर ली है वो, और ये भी मंगवाई हैं। तो ड्रेस वगैरह जब बनानी होती है तो उनमें भी ये काम आ जाती हैं रिबन लेस, तो इसलिए मैंने इकट्ठे ही एक साथ मंगवा ली थी। तो ये रिबन लेस मंगवाई हैं, और इसी से मैंने माला बनाई है लड्डू गोपाल जी की और कान्हा के लिए, तो वो भी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए अच्छी लग रही है ना। तो दोस्तों, ये वाली माला मैंने खुद से ही बनाई है, और बहुत आसान है ये माला बनाना, आप सभी को पता है कि कैसे बनाई जाती है, सुई में पिरो के धागे से ये माला बनाई जाती है। तो ये वाली माला एक लड्डू गोपाल के लिए भी बनाई है, और एक ये देखिए कान्हा के लिए भी बनाई है, बीच बीच में ये वाले मोती भी लगा दिए हैं। और आप सभी को मालूम है कि ये माला किस तरह से बनती है, रिबन वाली माला सुई धागे से पिरो के बनाई जाती है। तो जो मैंने ये रिबन लेस मंगाई थी, मैंने उसी से ही ये दो माला घर पे बना ली हैं। अच्छी लग रही है ना, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी ये माला। तो इस तरह से आप भी घर पे बना सकते हैं आसानी से, और रिबन लेस ले आइए इकट्ठे ही, तो इस तरह से माला बनाने के काम में भी आ जाती है, या आप कोई ड्रेस वगैरह बनाएं तो उसमें भी ये रिबन लेस यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इकट्ठे ही मंगा के रख ली थी, और उसी से ये माला बनाई है। तो ये
कुछ तैयारियां मैंने लड्डू लाडले के लिए की हैं। और ये देखिए छोटे छोटे से फ्लैग मंगाए हैं, कपड़े के हैं, सॉफ्ट कपड़े के हैं, तो दोनों लाला के लिए एक एक फ्लैग मंगाए हैं। तो ये थोड़ी सी तैयारी मैंने लाला के लिए करी है 15 अगस्त पे। तो जब श्रृंगार करूँगी तो उसकी वीडियो तो मैं आपको वैसे भी अपलोड कर देती हूँ, तो आप देख लेते हैं। तो मैंने जो भी सामान तैयार किया है वो सारा आपको दिखा दिया है इस वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे।